सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विश्वास के डोर को धोखे से तोड़ते नहीं। इस मतलबी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनों को छोड़ते नहीं। लहजे कब तक मीठे रखने हैं आजकल ये जरूरतें तय करती है। अच्छे लोग मतलबी या घमंडी नहीं होते, बस वो वहाँ रहना पसंद नहीं करती जहाँ उनकी इज्जत नहीं होती। आज का पंचांग 23 जून 2023 दिन शुक्रवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 7:54 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र सुबह 7:18 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 23 जून 2023 दिन शुक्रवार, छुट्टी के लिए समय निकालें। आध्यात्मिकता के संपर्क में रहें या अपनी बुद्धि और रचनात्मकता में व्यस्त रहने के लिए नए तरीके ढूंढें। समझदारी से खर्च करें। जुए और जोखिम भरे कार्यों को नजरअंदाज करें। अपने परिवार और बच्चों के लिए समय निकालें। कूटनीति से आप एक लंबा रास्ता तय करेंगे। साझेदारी, सहयोग और कानूनी मामलों में नए पड़ाव, नए मुकाम या दिशा बदलेगी। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपके नजदीकी लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। गलतियों को आज नजरअंदाज करें। आपके अनिर्णय की स्थिति में बिना बात की परेशानी पैदा हो सकती है। परिवार से जुड़े और रियल एस्टेट से जुड़े हुए मुद्दों को आपको अब गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपको इनसे संबंधित कोई पत्र प्राप्त होगा। पुरानी अधूरी अनसुलझी बातें अब आपको परेशान करेगी और आप इन्हें सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ सकती। आपके पास अपनी सेहत और रंग रूप को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। अगर आप घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ाई करते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें जो आपका धन और समय बर्बाद करते हैं। हालात को काबू में रखने के लिए अपने भाई की मदद लें। विवाद को ज्यादा तुल देने की बजाय उसे दोस्ताना तरीके से हल करने की कोशिश करें। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण जागेगी। अतीत में किया गया काम आज परिणाम और पुरस्कार लेकर आएगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकालने में सक्षम होंगे। खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। किसी बच्चे या बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर हुई परेशानी अप्रत्याशित रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज आपको किसी प्रियजन द्वारा कोई जानकारी पूर्ण समाचार मिलेगा। यह समय अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए भी बहुत ही अनुकूल है। विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। साझेदारी से संबंधित किसी विवादित मामले में आपको प्रस्ताव निर्णायक रहेगा। इसे व्यक्ति को दिए वचन को सही तरीके से निभाएं। जो लोग आप पर विश्वास दिला रहे हैं उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। खुद के जीवन के साथ अन्य लोगों के जीवन में भी बदलाव आ सकते हैं। करियर संबंधित चुनाव करते समय किसी भी बात को नजरअंदाज ना करें। आपकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो सकती है जो तकलीफ का कारण होगी। कमर में जकड़न हो सकती है, ध्यान रखें। लंबे समय से चली आ रही चीजें आज फिर से व्यवस्थित होने लगेगी। आज कोई फैसला लेने में धैर्य ना रखें। आपको सही सलाह मिलेगी। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। बच्चों की गतिविधियों का ध्यान भी रखें। सावधानियां, बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि से मन कुछ विचलित भी रहेगा। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावटें आने का कारण आपका आलस और लापरवाही होता है। अपने इन अवगुणों पर सुधार करें। घर के वरिष्ठ सदस्य की किसी बात को लेकर असंतोष की स्थिति भी घर के वरिष्ठ सदस्य भी किसी बात को लेकर असंतोष की स्थिति में रहेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की।
चाहत में विश्वास, सम्मान और प्यार के साथ साथ रचनात्मकता का होना बेहद जरूरी है। इसे आप अपने रोमांस को जीवित और फ्रेश रख सकते हैं। रिश्ते में शुरुआत के लिए आपको पहल और प्रयास करने चाहिए। धन से जुड़े मामलों को रोमांस से दूर रखें। नए संबंध के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके ग्रह बता रहे हैं कि यह बदलाव आपके दिन को रोमांचक बना देगा। लोग आपके पास सहानुभूति के लिए आएंगे और आप गलती से इसे ध्यान खींचने का प्रयास मान बैठेंगे। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं, वे दिल से एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आप उनके साथ अकेले रहकर चुपचाप से बातचीत के जरिए अपने विचार साझा करना चाहेंगे। बात करते हैं करियर की। जब लोहा गर्म हो तो उस पर निशाना लगाएं। यह विशेष रूप से प्रेरक वक्ताओं की भूमिका या इसी तरह की भूमिका वालों के लिए भी एक महान दिन है। बात करते हैं करियर की। जब लोहा गर्म हो तो उस पर निशाना लगाएं। यह विशेष रूप से प्रेरक वक्ताओं की भूमिका या इसी तरह की भूमिका वालों के लिए एक महान दिन है। आज आप जनता के साथ बेहतर संवाद करने में सक्षम होंगे और आपको उसके लिए उच्च भुगतान भी दिया जा सकता है। तो आप आगे बढ़ें और इस तरह प्रदर्शन करें कि लोग आपकी बातें सुनने के लिए ललायित रहें। पिछले कुछ समय व्यस्त रहने के बाद आज आपका ध्यान केवल मनोरंजन और आराम पर है। अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता से आप किसी भी पेशवर दुख को आनंद में परिवर्तित कर सकते हैं। कार्य में नए विचार और तरीके आपको नई पहचान दिलाएंगे। आप किसी बड़े बदलाव को भी महसूस कर सकती हैं। उन लोगों के साथ समय बिताना न भूलें जो आपके लिए धन का स्रोत है। ध्यान रखें, अगर आप मेहनत करते हैं तो जीत खुद आपका पीछा करती है। कार्य स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तथा सभी गतिविधियों पर भी ध्यान दें, क्योंकि किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया माहौल को खराब कर सकता है। मार्गदर्शन संबंधित व्यवसाय में कुछ बदलाव संबंधित योजनाएं बनेगी। सरकारी सेवारत लोग मनोनुकूल कार्य भार पाएंगे। आज दोपहर के बाद स्थिति अच्छी रहेगी। जिस सुकून की तलाश में थे वो आपको मिल सकता है। छात्रों को उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत साबित हो सकता है। कुछ सपने अधूरे रहने से निराशा हो सकती है। बात करती है सेहत की। जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान करेगी। व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। आपने एक नया वर्कआउट आजमाया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आपको इसके लिए काफी कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। आपकी कमर कुछ इंच घट गई है और अब आप पहले से अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप किसी नई हॉबी की तरफ झुकाव महसूस करेंगे और पूरी तरह इसमें खो जाएंगे। आज का दिन काफी सकारात्मक भी रहेगा। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।